नहीं देखिए, हर मुद्दे पे नहीं बोलती, जिन मुद्दों के बारे में मुझे पता है और जिन मुद्दों में मेरा इंटरेस्ट है वो मुद्दों, एक नागरिक होने के नाते उन मुद्दों पे मैं बोलती हूँ। एंड आई थिंक कि मतलब देखिए, ज़िंदगी में जो भी रास्ता आप अपनाते हैं उस रास्ते पे कोई ना कोई चुनौती आएगा और उस वो जो चॉइस आप कर रहे हैं उसका आपको फेस करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आप फेस करते हैं। एंड आज के जो समाज है और आज का जो वक्त है हमारे दौर में, जहाँ पे लोगों को महज बोलने के लिए जेल में डाला जा रहा है, एक जोक बोलने के लिए जेल में डाला जा रहा है, जर्नलिस्ट को अपना काम करने के लिए जेल में डाला जा रहा है, अगर कोई आपने कुछ सरकार के खिलाफ बात कर दिया तो आपके ऊपर ईडी का रेड पड़ जाता है, तो ये तो है और हमारी इंडस्ट्री पे तो बहुत नज़र पड़ती है, तो काम वहाँ पर असर पड़ता है। बट आई मीन आई थिंक दैट आई थिंक कि मैं जो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। आई थिंक मेरा बहुत ब्लेस्ड करियर रहा है, एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि कुछ ऐसे काम हो जो हाथ से चले जाते हैं, लेकिन जब आप अपने कन्विक्शन से बात करते हैं और आप उन चीज़ों के लिए बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं जिनमें आपको विश्वास है, तो फिर आपको आप बुरा भी नहीं लगता कि जो थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ। मुझे लगता है कि फेमिनिज्म हक की लड़ाई है, फेमिनिज्म बराबरी की लड़ाई है, और फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं, फेमिनिज्म मर्दों को भी आज़ाद करता है जो बेड़ियां और जो वज़न पितृसत्तात्मकता और पेट्रियार्की उन पे डालती है। तो आई थिंक फेमिनिज्म इज अ फेमस कोट, इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन्स राइट्स, इट्स अबाउट पीपल्स राइट्स। उसके बारे में थोड़ा अपडेट तो सब भी जानना चाहिए। मैं अभी एक्चुअली कल ही मैं शूट पे निकल रही हूँ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है जहाँ चार यार, जो चार हाउसवाइफ्स की दोस्ती की कहानी है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट।